हेलो माय ऑल लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भगवान जी साथ करूँ, मस्त होंगे, सस्त होंगे। गाइज आपका भाई अभी इवनिंग में शूट कर रहा है, सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था कल का। गाइज पूरे दिन भर काम किया और हमारे लिए तो बढ़िया ही है। गाइज बढ़िया हुई है, काम हमारा पूरा दिन लग गया है, बाबा जी की कृपा दृष्टि पर बनी हुई है और हमारा चलने का काम है। गाइज 6 बजे हमारा हुई है छुट्टी का टाइम और चलते हैं रूम की ओर, जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं फिर निकलते हैं कहीं अच्छी लोकेशन पर। शर्मा जी से भी मिलना है और कल से मिला नहीं हूँ उनसे सही से, जल्दी से करते हैं गाइस। माल लोड भी निकल रहे हैं रूम की ओर, बारिश बहुत तेज बारिश आने वाली है, बहुत तगड़ा मौसम बन चुका है इस समय का। मजदूर जा रहे हैं सारे घर को, वर्कर अपने बंदे भी सब आ गए हैं, सभी लोग जा रहे हैं भाई घर को घास वास लेके कोई। तो बढ़िया मौसम हो रहा है, काफ़ी ख़तरनाक काले बादल हैं, बिल्कुल काले बादल एकदम। कौन बोला? मैं कहाँ बोला? मैं कहाँ बोला? वो मैं थोड़ी बोला, अशोक भाई बोला है। तो अभी गाड़ी हमारी आ रही है नीचे से, माल लोड होगा, बारिश होने लग गई, सब भीग रहे हैं बेचारे। काफ़ी ख़तरनाक मौसम हो चुका है इस समय का गाइस, देखो कितना तगड़ा यार मौसम, बारिश होने लग गई है हल्की हल्की फिर से। वीडियो व्लॉग नहीं शूट हो पाएगा, बारिश तेज़ बढ़ने लगी है। तो सारे भाई लोग जुड़ चुके हैं, चलते हैं गाइस, जल्दी जल्दी भागते हैं माल लोड करवा के रूम की ओर, जल्दी फ्रेश हो जाते हैं मुँह हाथ धो के फिर करते हैं भाई। आ गए सब लेके आ रहे हैं उधर से, जा रहा हूँ मैं, ठीक है जा रहा हूँ। तो चलते हैं आगे का माल लेके आते हैं, उधर भी माल है, 1 किलोमीटर आगे जाना है, बाकी इधर से लोड करवाएंगे सब। तो चलते जल्दी से, बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, तो बारिश और तेज़ बढ़ने वाली है। फाइनली आज हम भीग भी सकते हैं, इतना माल पड़ा हुआ है सारा लेके जाना है भाई, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन भर थके पड़े हैं। सारे भाई लोग आ गए हैं, 3-4 भाई लोग सब जुड़े हुए हैं, क्या गजब नज़ारे हो रहे हैं। ऑल सब्सक्राइबर हैं मेरे, सारे सब्सक्राइबर हैं, नज़ारे हैं फिर क्या है, गाय खाओ झिलमिल सितारों की, क्या गजब व्यू हो रहा है भाई। मौसम बारिश का मौसम, ये दुनिया हसीनी हसीन वादियाँ। हनीश भाई कोई गाना सुना दो यार। ओ देश मेरे तू सज के जा, मेरा देश है। कितना प्यारा व्यू हो रहा है, हमारी गाड़ी आ चुकी है फाइनली। और हेलो दोस्तों, तो हमारे पिकअप में सारा माल कर दिया अंदर और बस भी निकल गई हमारे पास से गुजर गई बस। तो भाई बस का टाइमिंग आज लेट आ रही है, 6:25, हाँ सेम टाइमिंग है रोज़ की, रेगुलर टाइम सही है। वैसे तो बस निकल चुकी है पास लेके, चल रहे हैं भाई एप्पल लेके अपने बगीचे का। सारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, जरा कॉमेडी तो कर दो भाई। क्या गजब नज़ारे हो रहे हैं, सारा माल लेके जा रहे हैं और वहाँ से और माल आगे से अपलोड करते हैं जल्दी से इसमें, फिर चलते हैं इस गोदाम पे जल्दी से उतरवा देते हैं इसे। बहुत तेज मौसम फिर खराब हो गया, बारिश फिर बढ़ने लगी है, जल्दी से जल्दी भीगे ना कहीं बुखार ना आ जाए। दोस्तों तो यार सारे दोस्त लोग पिकअप पर आ रहे हैं, उन्हें जगह नहीं बची थी, माल लोड करा के आ गया हूँ और गाइस भीगते भीगते आ रहा हूँ, बिल्कुल ख़तरनाक बारिश होने लगी अब तो, तेज़ तेज़ भागते हुए जाते हैं गाइस। बारिश हो रही है, आ जाओ, और तेज़ बढ़ने लगी है गाइस, बहुत तेज डेंजरस मौसम हो गया है, जल्दी से पहुँचते हैं शर्मा जी। गजब हो रहा है भाई दिन, क्या फीलिंग आ रही है, मज़ा आ गया भाई, ठंडी हवा ठंडा पानी बारिश गजब मौसम भाई। पिकअप आ गई, जल्दी भागते हैं फिर काम करना पड़ेगा भाई, आज तो बहुत देर तक काम कर लिया और ना करना पड़ जाए, जल्दी से भागते हैं रूम की ओर, बारिश बहुत तेज़ होने लगी है, भागो। हेलो दोस्तों, तो 6:00 हो गया 39 मिनट टाइम और मैं आ गया हूँ यार बगीचे से, सारा काम निपटा के भागे भागे और बारिश में ना गाइस बहुत ज़्यादा भीग गया हूँ, बड़ी तेज़ बारिश होने लगी थी। शर्मा जी की रसोई के आगे हूँ अभी, कोई भी यहाँ पर हमारी रसोई में नहीं है, बिल्कुल सोनी पड़ी है रसोई सर। देखता हूँ ऊपर वाले रूम पर सोए हैं कि आगे वाले रूम पर हैं, दुकान वुकान गए हैं, देखता हूँ जल्दी से, और बारिश में भीग गया हूँ, जल्दी सर्वर पहुँचता हूँ गाइस बुखार ना आ जाए, बड़ी तेज़ बारिश हो गई है। मज़ा आ गया भाई, दिन भर काम, रात को बाबा जी की मेहरबानी बारिश में भिगा दिया, कल नहाया भी था फिर से नहला दिया भाई, अब जल्दी से मुँह हाथ पोंछता हूँ, भागता हूँ रूम की ओर अपने। यहाँ पे तो चूल्हे में जल गया है, राजकुमार के चूल्हे में आग जली हुई है तो बगल में। तो गाइस रूम पे आ चुके हैं, देखते हैं सारे हैं कि नहीं, कोई दुकान गए हैं कि नहीं गए हैं, तो हम तो भीग के आ गए भाई, सारे बंदे यहीं हैं, कोई कम्बल ओढ़ के सोया हुआ है, कोई ऐसे सोया हुआ है, तो पड़े हुए हैं भाई, हम तो फिक्र कर रहे थे बारिश बड़ी तेज़ बढ़ गई है, जल्दी से भाई मुँह हाथ पोंछते हैं फिर करते हैं सूट आप लोगों के बीच। काफ़ी भीग गए हैं भाई, चिल्ड बिल्कुल एसी, चिल्ड एसी भाई, बहुत तगड़ी हवा बाहर और बारिश हो रही है खतरनाक।
लो दोस्तों, तो आ गया हूँ यार रूम पे। बढ़िया फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ, एकदम मुँह हाथ धो लिया। बढ़िया बाहर हो रही है बारिश, जमा जम एकदम खतरनाक। और भाई बाप, खाना बनाने की तैयारी चल रही है और फाइनली ना हमारे पास आटा खत्म हो गया। क्या क्या खत्म हो रहा है आटा चावल भाई? आटा चावल सब कुछ खत्म है। और हमारी दुकान है नीचे गोडाउन में भाई जी के पास ही, तो वहाँ पर दुकान भी है। सबको वहाँ से राशन मिल जाता है, जो क्वालिटी जो चाहिए, जिसको सस्ता महंगा हर चीज़ पूरा राशन मिल जाता है कम्प्लीट। तो वहाँ पर जब राशन लाना है गाइस, हमको नीचे उतरना है। बारिश होने लगी बड़ी तेज, किसी को ध्यान ही नहीं राशन लेने की दिन में। तो हमारे पास आटा चावल कुछ है नहीं, अब लेके आना पड़ेगा हमें। तेल वेल मसाले वसाले तो पड़े हैं, दाल वाल तो भेज दीजिए, चलते हैं गाइस। बारिश में भीगते चलते हैं दोस्तों। एक भाई हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं हिमाचल के, अपने भाई साहब से एक बार नाम पूछ लेते हैं। शुभ नेम क्या है आपका? जिंटा जी। शुभ नेम क्या है वैसे? आशु जिंटा जी। तो गाइज अपने भाई जुड़े हुए हैं हिमाचल से, सारे भाई लोग हम राशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जल्दी हमारी अभी दुकान खुलने वाली है और हमारी बढ़िया भाई जो मेहनत है दिन भर की, जल्दी से राशन मिल जाए, जल्दी से खाना बना लें और थकान मिटा लेंगे, वो मेहनत हमारी ठीक हो जाएगी। और गाइज जितना भी थके हैं, राशन अगर मिल जाए ना जल्दी बना लेते हैं भोजन। भूख बहुत तेज़ लग रही है बारिश का इंतज़ार, और बारिश का इंतज़ार करते करते गाइज आज राशन भी ख़त्म हो रहा है। सुबह से बारिश ने साथ दिया, अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और जल्दी से चलते हैं राशन लेके, नीशू भैया आने वाले हैं अपनी दुकान, लोकल में ही है अपने, यहीं पे भाई जी के यहाँ पे दुकान है। मैंने आपको पहले ब्लॉग में डाला हुआ था, यहाँ पर पूरा माल अंदर स्टॉक में है, तो हर चीज़ ले लेते हैं जो जो हमारे पास क्लोज हो रही है। जल्दी से फिर खाना बनाते हैं खाना, तक के लिए गाइस भाई को प्यार करो, रविंद्र जोशी ब्लॉग को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी साथ में दबा दो गाइस। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलते हैं गाइस रूम की ओर, राशन ले लेते हैं जल्दी। हेलो दोस्तों, तो कड़ाके की हो रही है बारिश यार बड़ी तेज, और राशन के लिए इंतजार कर रहे हैं सभी भाई लोग। तुम्हारा भी राशन खत्म हो रहा है जी? सचिन भाई भी राशन खत्म हो रहा है, अर्जुन भाई तुम्हारा भी? हम तो सर एक ही साथ रहते हैं, कहाँ खत्म हो रहा है, सभी का खत्म हो रहा है। तो भाई राशन खत्म हो रहा है सभी का, और कर रहे हैं इंतजार। टाइमिंग हो गई है 7:16, काफ़ी थके हुए हैं, फिर अभी राशन मिलेगा। अपने निशु भाई आ रहे हैं, राशन लेते हैं, फिर चल के बनाते हैं शर्मा जी की रसोई में भोजन। अपने गणेश भाई भी हमारे साथ आज से ज्वाइन हो गए हैं। सौरभ भाई ये कुक हैं हल्द्वानी कोटाबाग के, काफ़ी सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं की पड़ती है, खाना यही बनाते हैं ज़्यादातर। हम भी हेल्प कर लेते हैं, हम भी बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली चलते हैं यार, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और जल्दी से राशन ले लेते हैं फिर निकलते हैं शर्मा जी की रसोई में। हेलो दोस्तों, तो आ गया चावल भी, आ गया भाई अपने दिल्ली मलाई। गणेश भाई ले आए चावल, सौरभ भाई भी आ गए, सारा राशन आ चुका है। जल्दी से चलो भाई शर्मा जी की रसोई में, खाना बनाते हैं सब लोग मिल के, फिर करते हैं भाई भोजन। तो फाइनली हम आ गए, हेलो दोस्तों, तो फाइनली आ गए हैं यार, राशन वासन लेके आटा ले आए, बढ़िया चावल आ रहा है, बड़ी आलू प्याज चीनी नमक मसाले सब कुछ ले आएगा इस राशन। और जल्दी से चलते हैं रसोई की ओर, खाना बन चुका है फाइनली हमारा, बहुत बढ़िया। कौन आ रहा है भाई? तो दोस्तों देखो यार, पहाड़ी लाइफस्टाइल हिमाचल की वादियों में यार क्या मजा आता है ना। तो दोस्तों देखो, मैं बैठा हूँ अभी शर्मा जी की रसोई में, बढ़िया एक्टिविटी जा रही है, अपना खाना बन रहा है, सिलबट्टे में चटनी बन रही है मस्त, आपका भाई भी मस्त नज़ारे और हेल्प कर रहा है पूरी, सचिन भाई अपना आटा गूंद रहे हैं। तो भाई जल्दी से बनाते हैं खाना, देखिए दो सॉन्ग के साथ आप अपलोड कर देंगे आज का ब्लॉग, बेहतरीन जाने वाला है। आप लोगों के बीच प्यार दीजिए गाइस, प्यार बांटिए, लव यू टू ऑल फ्रेंड्स, दिल से नमन। हेलो दोस्तों, देखो पुदीने की चटनी बनेगी, ये रहा पुदीना अपना, पुदीने की चटनी बनेगी गाइस, बड़ी सॉलिड वाली चटनी बनेगी पुदीने की, मज़ा आ जाएगा। सपने सिलबट्टे में बन रही है पुदीने की चटनी, और चूल्हे में बन रहा है भाई आलू न्यूटीला की सब्जी, न्यूटीला पर डाल दिए, बढ़िया। तो घुमाओ घुमाओ घुमाओ, चल जाएंगी जल्दी जल्दी, मज़ा आ जाएगा। और आलू कटे हुए हैं, बढ़िया आटा गूंद रहा है सचिन भाई द्वारा, मस्त खाना बनेगा भाई शर्मा जी की रसोई में। न्यूटीला घुमाओ जल्दी, जल जाएगी, घुमाओ तो कई बार घुमाओ जल्दी, कितना प्यारा टेस्ट आ जाएगा ना, कितनी प्यारी लग रही है, टेस्टी देखने में, आहा मज़ा आ गया भाई। गुरुदेव की माया, जय प्रभु की। ये डाल दिए भाई ने मसाले अपने गणेश भाई ने, अपने अर्जुन भाई ने, मस्त अपने अर्जुन भाई। हेलो गाइस बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अपने गणेश भाई बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया बना रहे पुदीने की चटनी। दोस्तों देखो बारिश हो रही है बड़ी खतरनाक, ये शर्मा जी की रसोई के बाहर ही से बारिश दिखा रहा हूँ आपको मैं, अंदर चूल्हे में खाना बन रहा है, मस्त चूल्हा देखो क्या मस्त, वहाँ चटनी, एक बंदा चटनी बना रहा है आगे, एक बंदा सब्जी बना रहा है भाई, एक बंदा आटा गूंद रहा है, बढ़िया मस्त जारी है भाई काम। और बाहर हो रही है बारिश खड़ी खतरनाक वाली, ये देखो बड़ा मज़ा आ गया भाई हिमाचल की वादी में बारिश के साथ। तो चलते हैं भाई जल्दी से खाना बनाते हैं, हम भी हेल्प करते हैं। हेलो दोस्तों, तो टाइमिंग हो गई 9:51,
क्या बढ़िया दिन है गाइस, आज मजा आ गया भाई। शर्मा जी की रसोई में बन गई, देखो आलू और न्यूट्रीला की सब्जी और पुदीने की चटनी साथ में साइड में रखी है, रोटी ले ली गरम गरम। जल्दी से खाना शुरू करते हैं गाइस। कुछ तो दोनों जगह खाना बन रहा है, शर्मा जी की रसोई है, अपने राजकुमार की रसोई। अपने राजकुमार नेपाल से अपने यूट्यूबर भी हैं। राजकुमार जी बढ़िया ना, हेलो, रोटी बना रहे हो? तो ये शर्मा जी की रसोई और ये राजकुमार जी की रसोई गाइस, अगल बगल में बढ़िया खाना बन रहा है भाई लोगों का। ये मस्त आटा भाई फुल के निकाल रहे हैं भाई लोग, बढ़िया भाई बढ़िया, खाओ खाओ। और भी भाई तो करते हैं, खाना शुरू बना दिया है फाइनली। हम दो भाइयों ने मिलके करने, मैंने और अर्जुन भाई ने, अब सब भाइयों को खिला दिया है। दो भाई और रह गए, वो भी आएंगे खाएंगे, तो हम भी खाते हैं गाइस। मेहनत हो गई है बढ़िया, और खाने अब बना लिया भाई, लग्जरी खाना बनाया हमें टेस्टी। जल्दी से करते हैं भोजन, फिर चलते हैं गाइस सोने। हेलो गाइस, तो मैं आ गया भाई शर्मा जी की रसोई से, फाइनली खाना वाना खा के एकदम निपट के आ चुका हूँ। जय श्री राम। तो गाइस अब सोने की तैयारी करते हैं, आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू, बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स। जय श्री राम।